जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 में बदलाव के फैसले के बाद से ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कैंप लगाए हुए एनएसए अजीत डोभाल लोगों से बातचीत कर माहौल भांप रहे हैं। साथ ही आर्टिकल 370 में हुए बदलाव के फायदे के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। शोपिया के बाद डोभाल अनंतनाग की सड़कों पर घूमते नजर आए, ईद के लिए लगी भेड़ों की मंडी का दौरा भी किया। इस दौरान वो चरवाहों से बात करते हुए देखे गए। मुबारक हो आपको, बहुत-बहुत जी, आपकी बहुत। इनको पहचानते हो आप? जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त की देर रात से लगे कर्फ्यू में अभी काफी हद तक ढील दी जा चुकी है। एहतियात के तौर पर बंद किए गए स्कूल, कॉलेज, ऑफिस 8 अगस्त से खोल दिए गए हैं। अनंतनाग के मेन बाजार में घूमते हुए डोभाल बच्चों से हंसी मजाक करते हुए नजर आए। आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले अनंतनाग में बड़े ही आराम से डोभाल लोगों से मुलाकात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार पहले से ही बहुत सतर्कता बरत रही है। इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल खुद आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाकर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई तकलीफ वगैरह, कोई किसी तरह का करते ही देखिए, हाँ खुद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के संसद से पास होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगा। आर्टिकल 370 में हुए बदलाव के बाद घाटी में भारी सुरक्षा के बीच हालात सामान्य होते देखे जा सकते हैं। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज भी शांति के माहौल में अता की गई। अब सबकी नजर सोमवार यानी कि 12 अगस्त के दिन की है। उस दिन बकरीद है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि त्योहार अमन से बीत जाए। R9 TV के लिए अनंतनाग से अमित कुमार के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट।